समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए।
सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी एड़ यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सियाराम।